2022 चल रहा है, अभी मेटावर्स पे काम चल रहा है, यहां पर 5G लॉन्च होने वाला है और तुम बटन वाला फोन बना रहे हो। भाई इसमें ना ऑडियो जैक है, इसमें थूक जैसा कैमरा है, इसमें 1450 mAh की बैटरी है, कह रहे लॉन्ग लास्टिंग है। अरे फोन को चलाएगा ही नहीं तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी ही ना भाई। इससे फोटो खींच के तुम अपना मुंह देखोगे ना तो भाई 3 दिन तक तुम्हारी उल्टियां नहीं रुकेंगी भाई। ऐसे लगता है मुंह जैसे चेचक का मरीज। एक काम इन्होंने किया है कि इसमें इनबिल्ट ऐसे घुसने वाले इन्होंने ईयरबड्स दे दिए। एक तरफ तो तुम वायरलेस FM बना रहे हो, एक तरफ तुम बुजुर्ग लोगों के लिए फोन बना रहे हो, और तुम ये ईयरबड्स किस लॉजिक से, अबे भांग खा के बना रहे हो क्या फोन? किस ग्रुप के लिए तुमने बनाया भाई, मुझे बताओ तो सही। आजकल के 3-4 साल के बच्चे भी टच स्क्रीन वाला फोन मांगते हैं और चला लेते हैं बढ़िया करके। जवान लोग जो आज के यंग लोग हैं वो इस पर थूकेंगे भी नहीं भाई। और बुजुर्ग लोग के लिए, बुजुर्ग बहुत होशियार है भाई, उनको भी व्हाट्सएप चलाना है, इसमें चलाएंगे 10 बार में एक बटन दबाएंगे, कॉल भी नहीं करेंगे वो इससे। ये बस एक ही तरह का बुजुर्ग इसको खरीद सकता है जो भगवान से 2-3 टिन छोटा हो और कहीं गांव के किसी दूर इलाके में रहता हो, जो निर्मोही भी हो, जिसे म्यूजिक नहीं सुनना हो, जिसे व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना भी ना हो, और जिस जगह वो रहता वहां इंटरनेट आता भी ना हो, और उसे सिर्फ FM सुनना हो लेकिन रेडियो में ना सुनना हो, उसे बस फोन में सुनना हो वो भी कभी कभार, ये तरह का आदमी तो तुम्हारा फोन खरीदेगा। अदरवाइज कोई इस पर थूकने वाला भी नहीं है। 5,000 रुपए में क्या सोच के बना रहे हो तुम? मैं तो इस फोन के बारे में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आ